ओके okay. नाउ मैं जानती कि again, आप नाम सुनने के लिए कर रहे मेथड्स ऑफ कैपिटल ओके नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल ये हमें पता है हमने लास्ट ईयर भी सीखा था कैपिटल का मतलब क्या होता है कि अमाउंट इन कैश और काइंड ओके इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इनटू हिज बिजनेस उसे क्या बोला जाता है कैपिटल यहाँ पे हम उसको क्या टर्म करेंगे कि इन्वेस्टेड बाय होम पार्टनर्स इनटू पार्टनरशिप फर्म ठीक है तो उसे क्या बोला जाएगा कैपिटल बोला जाएगा अभी यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट है यानी कि जो कैपिटल लाया जाता है उसे मेंटेन और ऑपरेट करने के कुछ मेथड्स है तो दो मेथड्स है वो दो मेथड्स है फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ठीक है अब इसमें से हम लोग पहले वन बाय वन देखते जाएंगे पहले देखेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हम लोगों ने लास्ट ईयर भी सीखा हुआ है आपको मैं रिलेट करके जरूर समझाऊंगी कि हमने कैसे और यू uh, नो you know, uh, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया था लास्ट ईयर राइट अभी हम लोग स्लाइड देखते हैं ना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जो मेथड होता है उसका मतलब क्या होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब होता है कि उसमें जो अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है इट कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी ईयर वो हर साल चेंज होता रहता है क्यों चेंज होता है, है बिकॉज़ तो जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज जो भी है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओके अब यहाँ पे एक एड ऑन भी हो गया कि सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर मिलता है ठीक है ये जो तो ये सब चीजें की वजह से आपका जो कैपिटल है वो सेम एवरी ईयर नहीं रहेगा अभी लास्ट ईयर हम लोग एफ आई में क्या करते थे मैंने जैसे आपको बोला कि हमने लास्ट ईयर सीख चुके हैं तो हम क्या करते थे एफ आई में इफ द कैपिटल इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस सो वी वी यूज टू डायरेक्टली ट्रांसफर इट टू द लाइबिलिटी लाइबिलिटी में सीधा लिखते थे उसके लिए कोई सेपरेट अकाउंट नहीं बनाते थे क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही पर्सन था सोल ट्रेडर था ठीक है तो डायरेक्टली कैपिटल हमने लिख दिया फिर उसमें से हम लोग ड्रॉइंग्स माइनस करते थे ओके okay, प्रॉफिट आया नेट प्रॉफिट आया तो ऐड करते थे नेट लॉस आया तो लेस करते थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता है तो यही सब चीजें हमने लास्ट ईयर भी सीखी है फाइनल अकाउंट्स में तो उससे फिर आउटर कॉलम में हमें जो फाइनली आंसर मिलता है वो हमारा इस साल का करंट ईयर का क्लोजिंग कैपिटल रहता है तो अगर आप देख आपने देखा है पढ़ा है कि जो ट्रायल बैलेंस में कैपिटल दिया रहता है और ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो आपको कैपिटल मिलता है वो क्या सेम मिलता था आपको अमाउंट ऑफ नॉट ठीक है आपका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता था चेंज तो हमने वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही फॉलो कर की थी अभी इस साल भी हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड सीख रहे हैं लेकिन हम लोग क्या करेंगे अलग से एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ठीक है आप ये डायरेक्टली लाइब्रेटिस में भी कर सकते हो जरूरी नहीं कि आप कैपिटल अकाउंट या ये सब अकाउंट अलग से बनाओ लेकिन इसमें इतने सारे एडजस्टमेंट्स हैं फिर हमें अमाउंट में कोई कंफ्यूजन ना हो जाए कुछ गड़बड़ ना हो जाए इसलिए बेटर है कि हम अलग अकाउंट बनाएंगे दूसरा रीजन अलग बनाने का ये है कि आगे के हम जितने भी चैप्टर सीखेंगे तो मेजोरिटी में हमें पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाने को बोलेंगे तो बेटर है कि हम लोग ये अभी से सीखें ठीक है तो जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है तो मुझे कौन सा अकाउंट बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना है ओके okay. ना मुझे कैसे पता चलेगा हाउ डू आई आइडेंटिफाई कि ये कौन सा मेथड है तो मुझे क्वेश्चन पे ध्यान देना है क्वेश्चन में अगर सिर्फ कैपिटल ही दिया है ओके okay, करंट की कोई वैल्यू नहीं दी है तो इसका मतलब है कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का क्वेश्चन है ठीक है न इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है सो so, जो ट्रायल बैलेंस में हमें कैपिटल का वैल्यू दिया रहेगा ओके okay? उसका ऑलवेज कितना इफेक्ट रहेगा ओनली वन सो वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड एज अ बाय बैलेंस डाउन और जो ड्रॉइंग्स दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस में उसका भी एक ही इफेक्ट होगा और वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में एज टू ड्रॉइंग्स ओके नाउ ट्रायल बैलेंस का ऑलवेज एक ही इफेक्ट होता है वो मैं आपको फोर्थ वीडियो में ही समझा चुकी हूँ उसका कभी भी ड्यूअल इफेक्ट आएगा नहीं और जो चीज डेबिट है वो डेबिट में ही जाएगी और जो क्रेडिट है वो क्रेडिट में ही जाएगी तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड दिया होगा और ड्रॉइंग हमेशा डेबिट साइड दिया होगा ओके okay? तो इसीलिए वो इसी तरीके से इफेक्ट में जाएगा आगे बढ़ते हैं देन अगर पार्टनर्स कैपिटल का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है तो अगर आप यहाँ पे देखोगे क्रेडिट साइड में ऑलरेडी बाय बैलेंस डाउन लिखा हुआ है यानी जो ट्रायल बैलेंस का वैल्यू है वो एज अ बाय बैलेंस बायेंस डाउन यहाँ पे आएगा और जो ड्रॉइंग्स का वैल्यू है वो यहाँ पे आएगा एज अ टू ड्रॉइंग्स ठीक है नाउ स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कैपिटल में से ड्रॉइंग्स माइनस ही कर रहे हैं ठीक है कैपिटल का ऑलवेज कौन सा बैलेंस बैलेंस होता है है क्रेडिट तो हमने FIJC में भी सीखा है कि अगर आपको अकाउंट्स में से कुछ भी माइनस करना है तो राइट इट ऑन द अपोजिट साइड तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है और हम ड्रॉइंग्स डेबिट साइड पर लिख देते हैं तो ऑटोमेटिकली जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ड्रॉइंग्स क्या होने वाला है माइनस ही होने वाला है तभी जाके हमें उसका फाइनल बैलेंस मिलेगा ओके आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा ना आगे हम लोग एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं ये जो uh, चीज है मैं आपको वापस रिपीट करूंगी फॉर्मेट में क्या क्या चीजें हैं नाउ लेट सी वन बाय वन ऑल द यू नो ट्रांजेक्शन यानी कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स होते हैं जो हमें पार्टनर्स कैपिटल में करने होते हैं लाइक एडिशनल कैपिटल ब्रॉड बाय पार्टनर्स नाउ यहाँ पे अगर एडिशनल कैपिटल लाया पार्टनर्स ने ड्यूरिंग द ईयर तो पैसा आया बिजनेस में तो कैश और बैंक अकाउंट क्या होगा डेबिट होगा ओके okay? तो डेबिट साइड में जाएगा वो मतलब कैश और बैंक अकाउंट यहाँ पे हम लोग अगेन सेपरेट अकाउंट तो नहीं बनाएंगे तो वो हमें कहाँ पे मिलेगा एसेट साइड में मिलेगा बैलेंस शीट में मिलेगा ठीक है तो वहां पे वो क्या हो जाएगा एड हो जाएगा एंड देन सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बिकॉज दे आर द क्रेडिट द गिवर्स ओके तो उन्होंने लाया है तो उनका अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि और उनका कैपिटल क्या हो गया इंक्रीज हो गया पार्टनर्स तो सेम एसेट्स लाया तो एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा तो अगेन हम लोग का नहीं बनाएंगे तो एसेट साइड में वो जो भी फॉर एग्जांपल फर्नीचर लाया तो फर्नीचर में वो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा ठीक है और अगेन पार्टनर्स कैपिटल में क्या हो जाएगा क्रेडिट साइड पे जाएगा क्लियर बुथ दिस ठीक है समझाइए आपको यानी एडिशनल कैपिटल ब्रॉड बाय पार्टनर्स इन द फॉर्म ऑफ कैश और फॉर्म ऑफ काइंड ये दो इफेक्ट्स हो गए ठीक है अगर कैशो बैंक लाता है तो कैशो बैंक में हम लोग ऐड करेंगे और कोई एसेट्स एसेट्स लाता है तो में हम लोग ऐड करेंगे और दोनों का ही इफेक्ट क्रेडिट साइड में कहां पे जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड तो एक डेबिट इफेक्ट हो गया और एक क्रेडिट इफेक्ट हो गया आई होप यहां तक आपको समझा होगा ओके okay. ना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूंगी कि अभी एडिशनल कैपिटल जो है लाया अभी वो लाया और बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ ऐसा अगर फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में आता है ठीक है तो ही हम ये ट्रांजेक्शन की इफेक्ट देंगे इसकी आएगी? नहीं अदरवाइज वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन ही होगा सिर्फ ना मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा ना फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोला है कि ए और बी पार्टनर्स है उसमें से ए ने एडिशनल कैपिटल लाया ड्यूरिंग द ईयर ओके वो था वन लाख ,00 रुपीज

तो इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है ओके okay, तो फिर हमें उसे वापस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन हमें दी होगी देन फाइनल अकाउंट्स में वो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए दी होगी ठीक है सो so, उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये अच्छे से समझना है कि हमें इंफॉर्मेशन क्या दी है वी हैव टू ऑलवेज रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट आएगा इसी के बाद है तो उसी पे मैं वापस थोड़ा सा डिस्कस करूंगी ये आपको आई थिंक इतना समझा होगा ओके okay? तो वापस मैं देखती हूँ कि हम लोग मैं आपको ये दो जो पहले ट्रांजेक्शन है उसका इफेक्ट बता देती हूँ right? उसका इफेक्ट हम लोग देखेंगे किसमें फॉर्मेट में तो फॉर्मेट में देखना है कि कहाँ पे है अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सी बाय कैश बैंक और एसेट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड एडिशनल कैपिटल का इन्फॉर्मेशन गया अगर वो नॉट रिकॉर्डेड है तो यहाँ पे आएगा अगर वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है तो वापस हमें सेपरेटली यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नाउ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हमें देना है पार्टनर्स को देना है कौन दे रहा है बिजनेस दे रहा है ना जब हम फाइनल अकाउंट करेंगे तो हमें क्या सोचना है कि हम बिजनेस है हम पार्टनर्स नहीं है ज्यादातर बच्चे उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं तो बार बार इसमें गलती करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हमारे लिए इनकम है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं नो बिजनेस के लिए ये लॉस है क्योंकि बिजनेस जो है वो इंटरेस्ट दे रहा है पार्टनर्स को सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ पे जाएगा डेबिट साइड और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहा पे जाएगा क्रेडिट साइड ठीक है क्योंकि उनका कैपिटल क्या हो गया इंक्रीज कंपनी ने दिया तो उनके कैपिटल में और वैल्यू क्या हो गई बढ़ गई ओके okay? तो जब कैपिटल का क्रेडिट ही बैलेंस है तो हम क्रेडिट साइड डालेंगे तो वो और क्या हो गया एड हो गया ठीक है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स अगेन सैलरी और कमीशन जो है वो हम कंपनी उसे क्या कर रही है दे रही है पार्टनर्स को तो अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहा पे जाएगा डेबिट साइड और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड आप सिंपली याद रख सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स ये दोनों एडजस्टमेंट का इफेक्ट क्या आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड क्योंकि सैलरी और कमीशन भी पार्टनर्स को मिल रहा है तो अगेन कैपिटल उनका वैल्यू क्या हो गया बढ़ गया ओके आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा सो अगेन हम लोग जाते हैं फॉर्मेट देखते हैं तो हमें समझ में आएगा सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड लिखा है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड बाय सैलरी अकाउंट बाय कमीशन अकाउंट क्लियर है तो ये पार्टनर्स कैपिटल में कहाडिट साइड और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ओके देन वापिस हम लोग एडजस्टमेंट देखते हैं न एडजस्टमेंट में वापिस हमें क्या बोला है नेक्स्ट में द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज गुड्स विथ ड्रॉन बाई पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज अब ये रिकॉर्डेड नहीं है अभी जो ट्रायल बैलेंस में ड्रॉइंग्स दिया है वो रिकॉर्डेड ड्रॉइंग्स है तो इसके लिए उसका सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड लेकिन ये मैं बात कर रही हूँ एडजस्टमेंट की बात कर रही हूँ आपको एडजस्टमेंट दिया कि गुड्स बाय यू नो ए एंड बी रुपीजेंड एंड टू थाउजेंड रिस्पेक्टिवली फॉर पर्सनल यूज यानी दोनों ने गुड्स निकाला है और वो एडजस्टमेंट में दिया है इसका मतलब कि ये एंट्री रिकॉर्ड हुई नहीं है जो हमें रिकॉर्ड करनी है तो अब ये क्या हो गया पार्टनर आदर डेबिट द रिसीवर्स तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट और हमारे बिजनेस में से हमारा क्या हुआ गुड्स गया तो गुड्स का आई I रिकॉर्डिंग mean, पे होगा ट्रेडिंग अकाउंट पार्टनर्स के लिए अगेन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या हो जाएगा एक्सपेंस हो जाएगा अब पार्टनर्स क्या कर रहे हैं इंटरेस्ट दे रहे हैं कंपनी को ओके okay. तो कंपनी के लिए अब ये इनकम है लेकिन पार्टनर्स के लिए वो क्या हो जाएगा पेबल हो जाएगा तो यानी वो कहा से एडजस्ट होगा कैपिटल अकाउंट अकाउंट से एडजस्ट होगा होगा राइट सो पार्टनर्स कैपिटल में क्या डेबिट साइड यानी ऑटोमेटिकली आप पार्टनर्स कैपिटल में से क्या कर रहे हो माइनस ठीक है सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां पे जाएगा क्रेडिट साइड बिकॉज ऑफ ये कंपनी के लिए बिजनेस के लिए इनकम है देन नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पी एन एल अकाउंट जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देखा था ठीक है सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट है उसमें अगर नेट प्रॉफिट आता है तो हमें डेबिट साइड साइड में जो डिफरेंस मिलता है वो ऑपोजिट पे ट्रांसफर होता है राइट तो अगर मैं आपको वापस फॉर्मेट भी दिखाऊंगी आपको पी एन एल का तो आपको समझ में आएगा तो यानी पी एन एल डेबिट से कहाँ पे जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर आप सिंपली याद रख सकते हो कि आपको ऑपोजिट साइड ट्रांसफर करना है ठीक है जैसे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को पीएनएल में ऑपोजिट साइड पे ट्रांसफर करते हैं वैसे ही नेट प्रॉफिट को भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में ऑपोजिट साइड ट्रांसफर करेंगे वैसे ही नेट लॉस भी ऑपोजिट साइड ट्रांसफर होगा ठीक है न इसका हम लोग फॉर्मेट में इफेक्ट देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा न फॉर्मेट में अगर हम देखते हैं तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ठीक है अब मैंने एडिशनल ड्रॉइंग्स के बारे में यहाँ पे एड ऑन नहीं किया है लेकिन क्योंकि वो ड्रॉइंग्स का ही पार्ट है तो ड्रॉइंग्स भी डेबिट में ही आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है यहाँ पे देखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है अगर नेट प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के और अगर आपको क्लोज करना है तो याद रखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस ही आएगा मीन बाय क्रेडिट बैलेंस क्या दिमाग में आता है आपके क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट का टोटल ठीक है तो क्रेडिट का टोटल ही ज्यादा होना आई I मीन mean, हमेशा ज्यादा होगा तो क्रेडिट का टोटल अगर ज्यादा है तो हमें जो डिफरेंस है वो कहाँ पे मिलेगा डेबिट में तो ये हमारा हो जाएगा बैलेंस क्रेडिट डाउन यानी कि ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल है करंट ईयर का ठीक है तो दिस इज आर करंट ईयर कैपिटल ओके क्लियर विद दिस अब ये जो करंट ईयर कैपिटल है वो कहां पे जाएगा वो जाएगा आपका ट्रांसफर टू लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में जाएगा ठीक है आप देखो मैंने आपको इससे हाईलाइट करके समझाया है कि ये कैपिटल वैल्यू आपका क्लोजिंग okay? आपको, आपको, आपको समझ में आए कि नेट प्रॉफिट कैसे ट्रांसफर हुआ कहां से ट्रांसफर हुआ तो वो आपके लिए एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा ओके दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे जो हमने लिखा था राइट right? पार्टनर्स ये जो नेट प्रॉफिट है वो हमें डेबिट में दिख रहा है तो ट्रांसफर कहां पे होगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करो कि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हमने बनाया हुआ है तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा और जो नेट लॉस यहाँ पे पीएनएल में क्रेडिट साइड में हमें दिख रहा है वो पार्टनर्स कैपिटल के कहां पे ट्रांसफर होगा डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट हमारा मेथड है वो कौन सा मेथड है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ये एक्सेप्ट उसमें कोई एडिशनल कैपिटल ना लाया हो ठीक है अगर एडिशनल कैपिटल नहीं लाया है तो इट विल रिमेन द सेम नाउ ऐसा क्यों क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने वाले हैं ओके पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे तो जितने भी एडजस्टमेंट्स जो हम लोगों ने देखे अभी यानी कि जो ड्रॉइंग्स हैं या एडिशनल ड्रॉइंग्स हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है सैलरी टू पार्टनर कमीशन टू पार्टनर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस ये सब कुछ अब किस में होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में होगा ठीक है तो उसकी वजह से आपका कैपिटल का वैल्यू चेंज होगा नहीं वो स्टेबल रहेगा सेम रहेगा नाउ अगेन हाउ टू आइडेंटिफाई दैट द क्वेश्चन इज ऑफ फिक्स कैपिटल आई गेस आपको यहाँ तक तो ऑटोमेटिकली अभी आपके दिमाग में आंसर हो गया होगा आ गया होगा कि आप uh, कैसे पहचानोगे तो जब क्वेश्चन में हमें कैपिटल अकाउंट भी दिया है और करंट अकाउंट भी दिया है सी इफ यू कैन सी कैपिटल अकाउंट ऑफ राम एंड कृष्णा इज वन लैख सिक्सटी एंड एटी थाउजेंड तो वो कैपिटल बैलेंस है ठीक है और जो करंट अकाउंट का बैलेंस है एक का क्रेडिट बैलेंस है और एक का डेबिट बैलेंस है तो ये भी हो सकता है तो इसीलिए हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट पे भी ध्यान देना है इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे लिए कि जो कैपिटल बैलेंस अभी यहाँ पे क्वेश्चन में अगर दिया है और उसमें ट्रायल बैलेंस में दिया है तो हमेशा उन सब चीजों की एक ही इफेक्ट आएगी कैपिटल अकाउंट का इफेक्ट कहाँ पे जाएगा सीधा लायबिलिटी साइड में जाएगा अगर उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है कोई एडिशनल कैपिटल लाया गया नहीं है तो वो सीधा लायबिलिटीज में जाएगा उसका अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है तो हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे करंट अकाउंट बनाएंगे अब करंट अकाउंट में हमें जो दिया है तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि या तो डेबिट बैलेंस हो सकता है या तो क्रेडिट बैलेंस हो सकता है तो अगर क्रेडिट में है तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन और अगर डेबिट में है तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन समझ में आया ये आपको ठीक है यानी जो राम है जब हम करंट अकाउंट बनाएंगे तो राम का होगा बाय बैलेंस डाउन और कृष्णा का होगा, हो बचुएटिंग कैपिटल मेथड हो ठीक है तो उसका इफेक्ट तो सेम ही रहने वाला है ड्रॉइंग्स का इफेक्ट जाएगा डेबिट साइड में ही ओके नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं तो मैं आपको फॉर्मेट दिखा देती हूँ कि अगर जैसे मैंने आपको बताया कि कैपिटल अकाउंट में कोई चेंजेस है तो ही आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा अगर उसमें कुछ एडिशनल कैपिटल आता है तो इन कैश और इन काइंड ठीक है तो यहाँ पे आपको देखो दिखाया है बाय कैश और बैंक और बाय एसेट अकाउंट ओके तो ही बनाने की जरूरत है अदरवाइज उसे बनाने की जरूरत नहीं है अब आप देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन भी है और टू बैलेंस डाउन भी है यानी उधर डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है अभी राम और कृष्णा एक का डेबिट दिया और एक का क्रेडिट दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का क्रेडिट हो सकता है या दोनों का भी डेबिट हो सकता है यानी करंट अकाउंट में कोई भी सिचुएशन हो सकती है तो जैसे हमें क्वेश्चन में दिया है वैसे हमें फॉलो करना है ठीक है देन ड्रॉइंग्स आप देख रहे हो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन के नीचे ड्रॉइंग्स अकाउंट दिया हुआ है राइट अब आगे के हम लोग एडजस्टमेंट देखते हैं ये आपको मैं वापस स्लाइड पे लेके आऊंगी ताकि आपको ये पता चले कि बैलेंसेस हमें कहाँ पे ट्रांसफर करने हैं आई रिपीट दिस ओके नाउ एडजस्टमेंट वो ही है सेम एडजस्टमेंट्स हैं जैसे एडिशनल कैपिटल ब्रॉड बाय पार्टनर्स एंड एसेट्स ब्रॉड बाय पार्टनर्स तो वो तो कैपिटल में ही जाएगा वो कहीं चेंज नहीं होगा अगेन द कंडीशन अप्लाइज द सेम कि अगर वो नॉट रिकॉर्डेड है तो ही उसकी एंट्री आएगी अदरवाइज नहीं आएगी क्योंकि अगर हमें वो दिया है और ऐसा नॉट रिकॉर्डेड कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है इसका मतलब कि वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है वो सिर्फ हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है ठीक है अभी बाकी जो सारे है ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स गुड्स विड बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स या नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पी एन एल अकाउंट या नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम पी एन एल अकाउंट ये सभी इफेक्ट सेम रहेगी जस्ट इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट आपको क्या लिखना है करंट अकाउंट लिखना है दैट इज द ओनली डिफरेंस ओके सिर्फ पहले पहले दो दो को छोड़ के वहां में तो हमेशा कैपिटल अकाउंट ही आएगा लेकिन थर्ड से लेकर एथ ट्रांजेक्शन तक जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सब में सिर्फ कैपिटल की जगह पे आपको क्या लिखना है करंट लिखना है समझाइए आपको आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा ओके okay? देन जो मैं आपको बता रही थी कि आपको फॉर्मेट में आपको वापस दिखाने वाली हूँ राइट फॉर्मेट वापस हम देख लेते हैं ताकि हमारा आइडिया क्लियर हो जाए ओके okay. अगर आप फॉर्मेट देखोगे सो जस्ट पार्टनर्स कैपिटल में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिर्फ एडिशनल कैपिटल है उसके अलावा और कुछ नहीं है क्रेडिट साइड में देखिए पार्टनर्स करंट अकाउंट के बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बाय सैलरी अकाउंट है बाय कमीशन अकाउंट है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है यानी कि जो नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है देन यहाँ पे डेबिट साइड में टू ड्रॉइंग्स हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हैं एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस लॉस अकाउंट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट ठीक है तो जो चीजें हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में देखी वो अब चीज पे होगी करंट अकाउंट में होगी क्योंकि उनको अपना कैपिटल फ्लक्चुएट नहीं करना है एवरी ईयर चेंज नहीं करना है उसको स्टेबल रखना है उसको सेफ रखना है ठीक है अभी जब आप करंट अकाउंट क्लोज करोगे Now, तो आप क्लोज करोगे तो हमेशा आपको मिलेगा तो वो हमेशा कहाँ पे ट्रांसफर होगा लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में ही ट्रांसफर होगा ओके ना करंट अकाउंट की बात करते हैं जैसे मैंने ओपनिंग बैलेंस के बारे में बोला कि डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है वैसे ही क्लोजिंग बैलेंस भी आपको ध्यान से क्लोज करके फाइंड आउट करना है कि विच बैलेंस इज मोर ओके जैसे मैंने कैपिटल में तो बोल दिया कि हमेशा क्रेडिट का टोटल ही ज्यादा होगा बट करंट अकाउंट में मैं ऐसा नहीं बोल सकती क्योंकि okay? किसी भी एक पार्टनर का डेबिट ज्यादा भी हो सकता है एक पार्टनर का क्रेडिट ज्यादा भी हो सकता है या दोनों के क्रेडिट ज्यादा हो सकते हैं या दोनों के डेबिट ज्यादा हो सकते हैं तो यू हैव टू ऑलवेज चेक एंड कैलकुलेट ओके फॉर एग्जाम्पल कि अगर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आता है तो आपको टू बैलेंस क्रेडिट डाउन मिलेगा तो टू बैलेंस क्रेडिट डाउन अगर मिलेगा तो वो जाएगा अगेन ट्रांसफर टू लाइबलिटी साइड बैलेंस शीट में जाएगा लाइक अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लेकिन अगर आपको डेबिट बैलेंस ज्यादा मिलता है यानी कि डेबिट का टोटल ज्यादा मिलता है तो आपको बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन मिलेगा और वो जाएगा ट्रांसफर टू एसेट साइड बैलेंस शीट ठीक है आई होप यहां तक आपको समझा होगा राइट right? ना आगे बढ़ते हैं ना आगे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करवाऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग क्या करने वाले हैं ओके कैसे ये अकाउंट बनता है सी द इलास्ट्रेशन ओके मैं फुल स्क्रीन में से कर रही हूँ ताकि आप इसे नोट कर सके फटाफट -फड़ इसे पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा ठीक है मैं पढ़ लेती हूँ आनंद भारत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ टू ऑन फर्स्ट अप्रैल 2019 द कैपिटल बैलेंस Are Anand 60,000 and Bharat is 30,000 okay then their drawings are 12,000 and 10,000 okay respectively now as per the agreement as per the agreement uh, partners are allowed 10% interest on capital and interest on drawings is to be charged as 12 percentage per annum Anand gets a salary of rupees 2500 per month

तो मैंने यहाँ पे दो फॉर्मेट्स रेडी करके रखे हैं फर्स्ट मैंने रेडी किया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का और दूसरा मैंने रेडी किया है पार्टनर्स करंट अकाउंट का तो पहले हम लोग करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के हिसाब से और फिर हम लोग करेंगे फिक्स कैपिटल मेथड के हिसाब से ठीक है सो so, आप लोग भी आपके नोटबुक पे ये फॉर्मेट रेडी कर दीजिए अब हम लोग ये स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करेंगे ना सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या लिखना है कैपिटल अकाउंट है तो क्या लिखना है बाय बैलेंस डाउन, राइट अमाउंट था, था? नोट करके रखा है देखते जाइएगा थर्टी 30000 का अमाउंट है ठीक है ये यह आपको यहाँ तक समझा आई होप आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया होगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन आगे क्वेश्चन में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी थी के टू ड्रॉइंग्स दिया हुआ था आनंद और भरत का और वो अमाउंट था ट्वेल्व थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड रिस्पेक्टिवली तो जो ड्रॉइंग्स है वो कहाँ पे जाएगा ऑलवेज ऑन द डेबिट साइड ठीक है जो हमारे कैपिटल को क्या करता है रिड्यूस करता है सो यहाँ परफेक्ट उसके बाद हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है हमें बोला है कि एज पर एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हमें प्रोवाइड करना है दैट इज टेन परसेंटेज ओके टेन परसेंटेज हमें जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल प्रोवाइड करना है वो कैपिटल वैल्यू है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इफेक्ट किधर आएगा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या करता है कैपिटल इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है पार्टनर्स के लिए कैपिटल क्या करेगा इंक्रीज लेकिन कंपनी के लिए वो क्या है एक्सपेंस तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इफेक्ट क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ठीक है और सिक्सटी थाउजेंड पे टेन परसेंटेज मतलब कितना हो जाएगा हाइड वन जीरो सिक्स थाउजेंड और थर्टी थाउजेंड पे टेन परसेंटेज लास्ट का जीरो हाइड करो तो मतलब कितना हो गया थ्री थाउजेंड ठीक है तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया और पी एन एल अकाउंट डेबिट साइड में इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा उसके बाद हमें बोला है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट परसेंटेज यहाँ पे मैंने आपको प्रोविजन में भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसी के बारे में समझाया था कि जब भी क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स दिया हो और उसकी डेट ना दी हो सो so हमें ऑलवेज इंटरेस्ट कि, कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है सिक्स मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है ठीक है सोटेल्व so थाउजेंड पे ट्वेल्व परसेंटेज फॉर सिक्स मंथ्स कैलकुलेट करो और टेन थाउजेंड पर यू नो ट्वेल्व परसेंटेज फॉर सिक्स मंथ्स काउंट करो और उसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा अब जब ड्रॉइंग्स डेबिट साइड पे है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी कहाँ पे जाएगा डेबिट साइड में ही जाएगा क्योंकि ये पार्टनर्स का कैपिटल क्या करता है डिक्रीज और फॉर्म के लिए ये क्या है इनकम तो इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड यानी यहाँ पे आंसर आएगा सेवन ट्वेंटी और यहाँ पे आएगा सिक्स हंड्रेड ठीक है आगे बढ़ते हैं उसके बाद हमें क्या बोला है कि सैलरी टू आनंद हमें देनी है और साथ में ये भी सोचते जाओ कि सैलरी का इफेक्ट क्या सैलरी कौन दे रहा है कंपनी दे रही है पार्टनर्स को तो कंपनी के लिए एक्सपेंस है में जाएगा, और पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो रहा है इंक्रीज राइट right? तो यहाँ पे इफेक्ट क्या आएगा बाय सैलरी हो जाएगा और अमाउंट कितना आएगा थर्टी थाउजेंड आएगा ठीक है वैसे ही कमीशन हमें देना है भरत को थ्री परसेंटेज ऑन द नेट सेल्स और नेट सेल्स का वैल्यू कितना दिया है फाइव लाख रुपीज दिया है तो फाइव लाख पे थ्री परसेंट कैलकुलेट करो कितना होगा फिफ्टीन थाउजेंड होगा राइट अगेन कमीशन जो है वो क्या है कंपनी के लिए एक्सपेंस है ठीक है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड पहला इफेक्ट जाएगा और पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो बाय कमीशन ओके अब ये मिल रहा है भरत को मिल रहा है तो मैं भरत के कॉलम में लिखूंगी फिफ्टीन थाउजेंड ओके यहाँ पे कुछ भी नहीं है आपको कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो आप जस्ट एक डैश भी डाल के रख सकते हो ताकि आप गलती से वहां पे अमाउंट डाल के न, I mean, ना आई मीन ना लिख दो ओके okay? अब उसके आगे बढ़ते हैं अब उसके आगे हमें दिया है कि ड्यूरिंग द ईयर हमें प्रॉफिट हुआ है सिक्सटी थाउजेंड और हमें पी एन एल जो जो पी एस आर दिया था यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया था वो टू इज थ्री दिया था तो अब ये सिक्सटी थाउजेंड को हमें क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है पहले तो उसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए टू इज टू थ्री आई होप आपको आता होगा डिस्ट्रीब्यूशन करना आप कैसे करोगे सिक्सटी थाउजेंड टू इसी है तो टू प्लस थ्री ओके टू प्लस थ्री कितना होता है फाइव तो डिवाइड बाय फाइव एंड मल्टीप्लाइड बाय टू ओके सो व्हाट यू कैन डू इज आप डायरेक्टली क्या करोगे पहले जो सिक्सटी थाउजेंड है राइट सिक्सटी थाउजेंड को डिवाइड बाय फाइव कर दो ओके okay? अगर हम इसे डिवाइड बाय फाइव करते हैं तो मेरा आंसर क्या आएगा सिक्सटी थाउजेंड डिवाइडेड बाई फाइव क्या आंसर आना चाहिए मेरा ट्वेल्व थाउजेंड आएगा ठीक है नाउ इज माई आंसर ओके अब मुझे ये ट्वेल्व थाउजेंड को क्या करना है ट्वेल्व थाउजेंड को मैं एक बार करूंगी मल्टीप्लाइड बाई टू सॉरी यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई टू करूंगी तो ट्वेंटी फोर थाउजेंड और दोबारा मुझे उसे करना है ट्वेल्व थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय थ्री अभी मुझे करना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्टी सिक्स थाउजेंड

ठीक है आई होप आपको ये समझा होगा ओके सो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया अब इसकी इफेक्ट कहां जाएगी इफेक्ट कहां जाने वाली है इसकी इफेक्ट अब हमें कैसे पता चलेगा क्योंकि पीएनएल तो है नहीं आपने बोला अपोजिट आप साइड पे डाल देना तो नेट प्रॉफिट क्या करता है पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज करता है तो कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा तो कहां पे जाएगा क्रेडिट साइड में जाएगा ओके सो बाय हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे ठीक है और नीचे हम लोग ब्रैकेट में क्या लिखेंगे या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि ये क्या है नेट प्रॉफिट है थोड़ा सा उसे आप साइड में ले लो तो आपको पता चले क्योंकि बाय नहीं लिखा है तो ऑटोमेटिकली इट इज अंडर और अगर ब्रैकेट डाल दोगे तो बहुत और अच्छा होगा सो तो इट्स स्पेसिफाइड ठीक है न मैं यहाँ पे अमाउंट लिख देती हूँ पहले पार्टनर का अमाउंट था ट्वेंटी दूसरे पार्टनर का अमाउंट था थर्टी ठीक है हो गया सारे ट्रांजेक्शन हो गए तो मुझे अभी क्या करना है टोटल करना है राइट कैपिटल अकाउंट है तो ऑलवेज कौन सा साइड ज़्यादा होगा क्रेडिट साइड ही ज्यादा होगा टोटल करो फटाफट फड़। सिक्स भी थर्टी हो गया यानी यहाँ पे कितना आएगा वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है यहाँ पे एटी फोर थाउजेंड आपका टोटल ये हो गया तो मुझे दोनों ही टोटल यहाँ पे सेम लिखना है क्योंकि सेम ओके नाउ इसमें से मुझे क्या करना है डेबिट की जो वैल्यूज है ट्वेंटी थाउजेंड से मुझे, करना है 12, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे टू बैलेंस कैरिप डाउन मिलेगा जो मेरा इस साल का करंट ईयर का कैपिटल है तो मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा वन लाख सेवन थाउजेंड टू एटी ठीक है एटी फोर थाउजेंड में से मुझे टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड माइनस करना है तो मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा सेवेंटी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड ठीक है तो ये जो दोनों अमाउंट है ये अब मेरा कहाँ पे जाएगा लायबिलिटीज में जाएगा बैलेंस शीट में जाएगा एज अ कैपिटल अकाउंट में लिखूंगी उसके नीचे आनंद और भरत इनर कॉलम में ये दोनों आई मीन यू नो अमाउंट लिख के फिर टोटल में कहा पे डालूंगी बाहर आउटर कॉलम में डालूंगी समझाइए आपको ये कैपिटल अकाउंट बन गया आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ है हु? आगे बढ़ते हैं अभी आगे हमें सीखना है कि इसको हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के हिसाब से भी बनाना है करंट अकाउंट का फॉर्मेट आप लोग बना लीजिए आपके बुक में जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा हुआ है ओके नाउ करंट अकाउंट में हमें क्या करना है जो कैपिटल बैलेंस है उसके अलावा सारी एंट्रीज यहाँ पे भी आएगी ओके okay. जैसे अभी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया ही नहीं तो यानी ंग में यहाँ पे ना तो आएगा आएगा ना तो two balance brought down आएगा. अभी यहाँ पे जो बाई डाउन है ओके तो, okay, तो जब हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करेंगे तो ये जो सिक्सटी और थर्टी थाउजेंड है वो डायरेक्टली ही लाइबिलिटीज में चला जाएगा एज अ कैपिटल अकाउंट ओके अब करंट अकाउंट में हम लोग जो कैलकुलेशंस करेंगे उसका जो हमें फाइनल बैलेंस मिलेगा वो जाएगा बैलेंस शीट में अब जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे तो क्या होगा अभी बाकी के जितने भी सारे ट्रांजेक्शन है यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए बोला था या है ये सारी चीजें एज इट इज जाएगी चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैपिटल के बाद सबसे पहले हमें क्या दिया था ड्रॉइंग्स तो अब सीधा हमारा एंट्री यहाँ से शुरू होगा कि मेरा ये जो ड्रॉइंग्स है वो जाएगा यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा

फिक्स कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट में जाएंगे इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट बाकी कोई डिफरेंस नहीं है सब चीजें सेम है है आर द सेम सिर्फ नाम चेंज हो जाता ठीक है थीके? उसके बाद हमें क्या बोला था कि सैलरी दी गई है तो अगेन ये इफेक्ट भी क्या रहेगा सेम तो सैलरी टू पार्टनर हो जाएगा ओके देन कमीशन दिया गया है तो कमीशन भी सेम हो जाएगा राइट right? उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे जिस तरीके से हमने कैलकुलेट किया सैलरी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर मंथ है उसी को मल्टीप्लाइड बाय ट किया कमीशन को भी हमने थ्री परसेंटेज कैलकुलेट किया फाइव लाख रुपीज पर यहाँ पे भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने छह महीने का कैलकुलेट किया तो वो वैसे ही रहेगा उसमें कोई भी चेंजेस आएंगे नहीं और जैसे हमने 60,000 के प्रॉफिट को डिवाइड किया मैंने आपको सिखाया डिविशन करना वो वैसे ही करना है उसमें भी कोई चेंजेस आएगा नहीं तो दिस ऑल यू नो जो ट्रांजैक्शंस है वो तो सेम रहेंगे सिर्फ इसमें कैपिटल रिकॉर्ड नहीं होगा अगर करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया होता तो रिकॉर्ड होता समझ में आया ये आपको ठीक है अब यहाँ पे वापस हम लोग क्या करेंगे टोटल अब टोटल तो मैं ऊपर से कॉपी नहीं कर सकती क्योंकि ये तो चेंज हो गया क्योंकि कैपिटल का वैल्यू भी नहीं भी तो मेरा टोटल यहां पे क्या हो जाएगा 60000 हो जाएगा ठीक है और यहां टोटल कितना हो जाएगा फिफ्टी फोर थाउजेंड हो जाएगा और राइट right. ये सेम टोटल में यहाँ पे इस तरफ लिख देती हूं और राइट right. अब मुझे बैलेंस फाइंड आउट करना है ओके okay. अब मुझे यहाँ पे तो अमाउंट देख के पता चल गया कि क्रेडिट साइड ज्यादा है जैसे मैंने आपको बोला था कि करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी ज्यादा हो सकता है तो आपको डेबिट का टोटल भी ध्यान में रखना है लेकिन यहाँ पे क्लियर है बच्चों की ट्वेल्व थाउजेंड और सेवन ट्वेंटी ही वैल्यू है जबकि यहाँ पे ऑलरेडी थर्टी थाउजेंड का ही बिगर वैल्यू दिख रहा है सेम वे यहाँ पे टेन थाउजेंड और सिक्स हंड्रेड है तो यहाँ पे फिफ्टीन थाउजेंड और थर्टी सिक्स थाउजेंड के बिगर वैल्यू दिख रहा है इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे टोटल सिक्सटी और फिफ्टी फोर लिख दिया ओके नहीं तो अगर ज्यादा वैल्यूज यहाँ पे रहते तो हमें दोनों साइड चेक करना पड़ता कि विथ साइड इज मोर ओके अभी 60, 000 में से मुझे ट्वेल्व थाउजेंड करना है तो अगर मेरा क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो मुझे इसी तरफ बैलेंस मिलेगा तो ये मेरा हो जाएगा बैलेंस कैरिट डाउन ओके ना मेरा बैलेंस कैरिट डाउन क्या आएगा सिक्सटी थाउजेंड में ट्वेल्व थाउजेंड से 12, मुझे माइनस करना है तो फोर्टी सेवन थाउजेंड टू एल बी माई बैलेंस सेम वे फिफ्टी फोर थाउजेंड में से मुझे टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड माइनस करना है तो फोर्टी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड विल बी माई बैलेंस अभी ये जो बैलेंस है ठीक है ये क्रेडिट में आया सॉरी डेबिट साइड में हमें डिफरेंस आया है राइट तो हम हमेशा ऑपोजिट साइड ट्रांसफर करते हैं जैसे हमने यहाँ पे भी सीखा कि यहाँ पे डेबिट साइड में डिफरेंस आया तो हमने लायाबिलिटीज में डाला तो so, लाइबिलिटीज कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट साइड होता है ऑलवेज अपोजिट साइड में ही वो जाएगा ओके okay? वैसे ही यहाँ पे भी ये डेबिट साइड में डिफरेंस आया है तो ये भी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएगा एज अ करंट अकाउंट हेडिंग जाएगा और उसके नीचे आनंद और भरत अमाउंट लिखकर हम लोग वैल्यूज इसमें डाल देंगे और टोटल जो होगा वो आउटर कॉलम में जाएगा ठीक है आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा ये सब अच्छे से आप नोट कर लीजिए ओके okay? ये पूरा आपको क्वेश्चन सॉल्व करके रखना है ओके okay, अभी आगे बढ़ते हैं जो जो मैंने मैंने आपको 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 बोला था कि मैं लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस पूछे थे उसके उसके आंसर्स भी भी बताऊंगी बताऊंगी और विनर्स के नाम नाउ सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आंसर एन एसोसिएशन ऑफ टू टू और मोर पर्सन अकॉर्डिंग इंडियन

यहाँ पे मैंने ये नहीं पूछा था कि वॉट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इन विच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल या कैपिटल रेशियो यहाँ पे नहीं आएगा प्रपोशन मतलब उसी को बोला जाता है profit sharing ratio. है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ठीक फर्स्ट जिसने मुझे आंसर दिया वो अननोन पर्सन है मेरे लिए क्योंकि उसका नाम वहां पे प्रोफाइल में नहीं था तो आई वुड रिक्वेस्ट दैट पर्सन सिर्फ वहां पे मुझे एक डॉट दिखा तो मैंने यहाँ पे डॉट डाल दिया है बिकॉज आई के नॉट डू इन क्योंकि उसने सबसे पहले मुझे आंसर दिया था तो अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उस पर्स उस स्टूडेंट को कि प्लीज आप आपका यहाँ पे प्रोफाइल में नाम एडिट कर दीजिए ताकि हमको पता चले कि कौन स्टूडेंट है ओके अगेन सेकेंड पोजिशन पे टाई हो गई है आदित्य नायर जिन्होंने लास्ट टाइम भी आंसर दिया था लास्ट टाइम वो थर्ड पोजिशन पे थे इस बार सेकेंड पोजिशन पे आ गए सेम निधि तिवारी ने भी आंसर दिया था शी वॉज ऑल्सो ऑन थर्ड पोजिशन नाउ सेकेंड पोजिशन पे आ गए सीता प्रजापति एंड थर्ड इज कमलेश यादव टू यू ऑल और अभी आज के लेक्चर के क्वेश्चन यहाँ पे आपको आंसर देना है इन ट्रू और फॉल्स पार्टनरशिप फर्म इज नॉन ट्रेडिंग कंसर्न प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ रियल अकाउंट कैरेज इनवर्ड इज अ कैरेज ऑन परचेज इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस एंड नेट प्रॉफिट इज डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओके आई होप मुझे ज्यादा से ज्यादा नंबर में आंसर्स मिलेंगे ओके कीप वॉचिंग कीप लर्निंग कीप शेयरिंग टेक केयर टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ